ప్రధానిగా దేశం కోసమే బతుకుతానని మోడీ స్పష్టం చేశారు. యుఎస్ లో భారతీయుల సభలో మాట్లాడారు. స్వరాజ్యం కోసం చావనని సురాజ్ సంపన్న దేశం కోసం బతుకుతానని చెప్పారు. ప్రధానిగా తొలి రోజే తాను డిసైడ్ అయ్యానని అన్నారు. అనుకోకుండా గుజరాత్ సీఎంఐ సుదీర్ఘకాలం సేవ చేశారని, ప్రజల ప్రమోషన్ ఇచ్చి పిఎంను చేశారని అన్నారు. దేశమంతా తిరిగి నేర్చుకున్న పాఠాలు అనుభవమే తన బలమైన పాలనకు కారణాలని అన్నారు. मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पूरे देश में घूमता रहा, भटकता रहा, जहां खाना मिला वहां खा लिया, जहां सोने को मिला वहां सो लिया, समंदर के किनारे से लेकर पहाड़ों तक, रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों तक मैं हर क्षेत्र के लोगों से मिला, उनको जाना, समझा. मैंने अपने देश के जीवन, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की चुनौतियों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया. वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी दिशा कुछ और तय की थी, लेकिन नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया. कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और बना तो गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गया. 13 साल तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा. इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया. लेकिन दशकों तक देश के कोने में जाकर मैंने जो सीखा है, उसी ने चाहे राज्य हो या केंद्र, मेरे सेवा के मॉडल को, मेरे गवर्नेंस के मॉडल को इतना सफल बनाया है. पिछले 10 साल में इस गवर्नेंस मॉडल की सफलता आपने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे ये तीसरा टर्म सौंपा है.